नमस्कार, मैं हूँ आतुर, आप देख रहे हैं समझे न्यूज इंडिया। एक बार फिर हाजिर आपके सामने टॉक शो प्रोग्राम को लेकर, जिसमें आज हम क्रिप्टो करेंसी को लेकर बातचीत करेंगे। जिस व्यक्ति को देखो हर आदमी क्रिप्टो करेंसी के पीछे काफी तेजी से भाग रहा है। क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ही कम समय में अपनी सत्ता को भी मजबूत किया है। ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एंड सोशल एनालिस्ट मिस्टर तरुण पांडा जी। तरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण जी, जिस तरीके से देखा जाए क्रिप्टो करेंसी की बहुत ज्यादा तेजी है मार्केट में, तो निर्मला सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 30% टैक्स भी वसूलने की बात रखी है, तो क्या हम मान लें कि हमारी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को जो है वो करेंसी मान लिया है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिप्टो करेंसी को भारत ने अभी कोई करेंसी की मान्यता नहीं दी गया, ऐसा कोई लीगली तौर पे, क्योंकि करेंसी तो भारत में आरबीआई छापती है। करेंसी तो अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है, आरबीआई ही करेंसी बनाएगी और उस पर टैक्स वसूला जाएगा। और अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी पर भारत ने जो 30% टैक्स के लिए जो वित्त मंत्रालय ने बात रखी है, उसका एक्चुअल में मतलब ये कहने का है, क्रिप्टो करेंसी में जब कोई भी, क्योंकि ये वर्चुअल मनी है, जब कोई ट्रांसफ़र करते हैं जो पैसा है, वर्चुअली ये ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ के व्यापारी इन्वेस्टर कहीं भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जितने भी पैसे की वो इन्वेस्टमेंट करें, उस पर सरकार ने उस पर कोई भी जो अपना टैक्स है या कोई भी कर है उस पर नहीं रखा है, उस पर कोई भी उन्होंने टैक्स नहीं लिया है, वो तब तक वो कोई टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं जब तक आप को कोई इनकम में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका जो शेयर है वो 10 करोड़ से 20 करोड़ हो गया है, 50 करोड़ हो गया है, 50 करोड़ होने के बाद जब वो पैसे को आप अपने अकाउंट में लेंगे, उस पैसे पे फिर टैक्स की बात रखी है। जब आपको इन्वेस्टमेंट पे नहीं, रिटर्न पे रखी है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, जिसे हम आरओआई कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टमेंट पे जब आपको बेनिफिट हो रहा है तो आखिरकार आप इन्वेस्टमेंट को कहीं तो लेंगे। जब वो पैसे के रूप में आप अपने अकाउंट में ही ले रहे हो, तो तब उन्होंने टैक्स की बात, ये 30% टैक्स की बात वो कह रहे हैं। अतुल जी, क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं, बात करेंसी की करें तो कई लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे हम रुपया डॉलर है विदेशों में चलते हैं, ठीक है, जैसे दूसरी कंट्रियों में भी करेंसी चलती है, वो फिजिकली इस्तेमाल होती है, क्या क्रिप्टो करेंसी को भी फिजिकली इस्तेमाल किया जाता है? नहीं मैम, ये कॉइनबेस कंपनी रही है 2012 में, इन्होंने अमेरिका बेस्ड कंपनी है, जैसे हमारे इंडिया में स्टॉक में एनएससी में अलग अलग कंपनियां ट्रेडिंग कर रही हैं, वहाँ उन्होंने ये कंपनी रजिस्टर्ड की थी और एकदम से उछाल 100 मिलियन का उछाल इन्होंने ले लिया था और तब से ये कंपनी पूरे विश्व में छाई हुई है। तो ये एक वर्चुअल मनी है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इसको आप सेंध नहीं लगा सकते, आप जांच नहीं सकते ये पैसा काला है या सफ़ेद पैसा है। आप जहाँ से किसी तरफ विदेश में भेज रहे हो इस पैसे को, तो अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट या वहाँ की सरकार उस पैसे का आंकलन करना चाहे, ये पैसा कहाँ से आया और किस तरफ जा रहा है, वो जब वो देखना चाहेंगे तो पैसा वहाँ जीरो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन प्रोसेस है, एक मनी ब्लॉकचेन प्रोसेस से ये काम करता है, इसीलिए इसको ऑथोराइज नहीं किया जा रहा। मैम, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर इसका कभी आंकलन करना हो कि ये व्हाइट है या ब्लैक है, कोई जांचना चाहिए, मनी को कोई जांच नहीं सकता, फिर लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी करते हैं, काफी बहुत ज्यादा भी कम समय में ज्यादा कमाया भी जा सके, तो इससे फायदा किस प्रकार होता है, व्यापारियों को कैसे फायदा होता है? बिल्कुल मैम, देखो इन्वेस्टर ने तो पैसा लगाना है जहां उन्हें मार्केट में उछाल देखने को मिला है, उन्हें जो $10,000 का 2018 में जो $10,000 का दिखा रहा था शेयर मार्केट में, जो उछाल एकदम से अप्रैल 2021 में ये मैम 6,500 से भी ज्यादा का उछाल इसने ले लिया था, तो जहां लोगों को व्यापारियों को फायदा दिखता है वहां वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है। पर इसको सरकारों द्वारा रिकॉग्नाइज करना, ऑथोराइज करना, ये अभी भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है,
क्योंकि इसको सरकारें रेगुलेट नहीं कर पा रही हैं। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर मनी जा कहाँ रही है उसका आंकलन करना, उसको ट्रेस करना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसलिए फिर भी सरकारों ने एक रखा है 30% का जो टैक्स की बात रखी है। अगर आप अपने अकाउंट में कोई फायदा ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, इंडिया बैंक में ले रहे हो, तो वहाँ उन्होंने 30% की एक स्लैब सेट की है मैम। तो देखा जाए कि करेंसी, जैसे आप कह रहे हो कि वर्चुअल करेंसी होती है, अगर ये करेंसी वर्चुअल है भी, तो फिर डिजिटल करेंसी की बात क्यों कर रहे हैं? डिजिटल करेंसी क्यों लाना चाहते हैं? देखो, डिजिटल करेंसी वो आरबी द्वारा एक कंट्रोल होती है, कंट्रोल रेगुलेटर एक अथॉरिटी है आरबी, जिसे हम डिजिटली रिप्लेस कर सकते हैं। एक्चुअल में बेनिफिट डिजिटल करेंसी का बहुत ज़्यादा है। इसमें आपके जो नोट बन रहे हैं, करेंसी का खर्चा, आरबीआई जब नोट छापती है तो उसका अपना इसका खर्चा रहता है, प्रिंट का खर्चा रहता है, उसको बाद में नोट खराब हो गए हैं जब चेंज करने का खर्चा रहता है, और उसकी साम संभाल करना, देख रेख करना, ये भी इसके बहुत सारे खर्चे जो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बड़ी रहती है बैंकों के पास, आरबीआई के पास। जब वो डिजिटली इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, डिजिटली लोगों के पास पहुंचाते हैं, उसको ट्रेस करना, उसका डाटा रिकॉर्ड रखना, वो बड़ा इजी रहता है। वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, उस इन सभी बातों से कहीं ना कहीं काले धन को, करप्शन कम हो रही दिखती है। तो वो 100% नहीं करेंगे, डिजिटल नहीं होगा, उसमें कुछ हिस्सा 20% तक ये डिजिटल रख लेते हैं, जो मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेट से या कहीं ना कहीं डिजिटली डाटा से वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, और लोगों को भी एक सुविधा रहेगी इसमें। कहीं ना कहीं कंपनियां बड़ी अभी भी कंपनियां दे रही हैं कैशबैक का, दो ऑफर देती, उसका बेनिफिट ही ये होता है कहीं ना कहीं उनको खर्चे कम होते हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों से ही निकालना है। सरकारों ने भी उनका प्रिंट का खर्चा, जो सिक्योरिटी का खर्चा, ये बचने के कारण वो कहीं ना कहीं लोगों को एक सुविधा प्राप्त होती है, और कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो है, कैशलेस की इकोनॉमी की बात करते हैं हम, कैश लेस इकोनॉमी में इसका गंभीर रूप से आने वाले टाइम में हमें एक असर दिखने को मिल सकता है मैम। तो सर, तुर्की ने ये क्रिप्टो करेंसी पर रोक क्यों लगा दी? हाँ मैम जी, तुर्की ने इसीलिए बैन किया है, कहीं ना कहीं वो ट्रेस नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं जो फंड है जो नजायज़ तौर पे गलत इस्तेमाल होता है, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको अगर वहाँ की सरकारें कंट्रोल नहीं कर पाती हैं तो वो कहीं ना कहीं बैन करेंगी करेंगी। इसीलिए तुर्की का भी एक कारण रहा है इसको बैन करने का, जो उसको जब उसके कंट्रोल सिस्टम से चीज़ें बाहर होती दिखी, उसे पैसा गलत ढंग से ट्रांसफ़र होता दिखा उसे और आता दिखा, तो उन्होंने बैन करना ही करना था। और ये भी आने वाले टाइम में भारत में भी एक चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि जो दो नंबर की इन्वेस्टमेंट है, जो दो नंबर की कमाई, गाड़ी कमाई ये लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पैसे को वो विदेशों में बेच के, वो विदेशों में अपने रिश्तेदारों से वहाँ से निकलवा के, जहाँ किसी न किसी तरह हवाला के जरिए भारत में पैसा वापस निकलवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई एनजीओ का माध्यम हो जाए, कोई भी किसी भी तरह का कोई माध्यम चूज करके वो पैसे को वो यहाँ भारत में बेचते हैं हवाला के जरिए। कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता, जो टैक्स से भी बचते हैं, और ब्लैक कमाई जो है, काली कमाई की हम बात करते हैं, वो काली कमाई भी इनकी बढ़ती है। तो सरकारें हर तरह की कोशिशें जारी हैं ताकि वो कहीं ना कहीं इस करप्शन पे और इस तरह के गलत मनी, काली कमाई पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की हर तरह की कोशिशें वो कर रहे हैं। आने वाले टाइम में शायद इसका भी कोई ना कोई अल्टरनेट वो खोज के रखेंगे। बहुत बहुत बाला जी, आपने क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत अच्छे से जानकारी साझी की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातचीत करी कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है, किस तरह से इनका फायदा होता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ऐसी बातों पर आज हमने बातचीत करी है। तो आपकी क्या राय है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, डिजिटल करेंसी को लेकर, अपनी राय, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके विचारों को, आपकी राय को हम अपने टॉक शो प्रोग्राम के द्वारा लोगों तक, सरकार तक पहुंचा सके। बने रहिए एसएमजेड न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।